यूं तो भारत और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो मॉडर्न इंजीनियरिंग का मिसाल है। आज हम आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के वर्ल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज की। क्या आप लोगों को पता है दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ और इस ब्रिज को बनाने में नट बोल्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। और कैसे यह हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा है, हावड़ा ब्रिज की इतिहास, निर्माण प्रक्रिया और इसकी अनोखी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, साल 1874 से पहले कलकत्ता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता। उस समय नदी को पार करने के लिए नाव ही एक जरिया, लेकिन वक्त के साथ आबादी बढ़ने की वजह से आवाजाही बढ़ने लगी और नदी में अक्सर मानसून सीजन में पानी बढ़ने की वजह से बाढ़ की समस्या होने लगी। इसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल 1862 में एक ब्रिज बनाने का फैसला किया, लेकिन कई कारणों की वजह से यह फैसला बार बार डिले होता रहा और आखिर में 1870 में कोलकाता ट्रस्ट की स्थापना हुई और साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया और इस ट्रस्ट को ब्रिज के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई। फिर साल 1874 में सर बैडफोर्ड लेस्ली ने 22 लाख रुपए की लागत से एक पॉन्टून ब्रिज यानी पीपे का पुल का निर्माण करवाया। इस ब्रिज की लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। इस पुल को 17 अक्टूबर 1874 को यातायात के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज की खासियत ये थी कि इसे बीच से खोला जा सकता था ताकि नाव आसानी से आ जा सके। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी और इस ब्रिज को नाव के आने जाने के लिए बार बार खोलना पड़ता था। इन सब समस्याओं के कारण इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसके चलते इस फ्लोटिंग ब्रिज को बनाने का काम रोक दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर से इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू किया गया और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया और साथ ही इस ब्रिज को बनाने के लिए टेंडर भी निकाला गया। उस समय टेंडर के लिए सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई, लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले जर्मनी और ब्रिटेन के बीच रिश्ते खराब होने लगे, जिसके चलते साल 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जर्मनी कंपनी से ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट नाम का एक बिल पास किया और द ब्रेथवेट बॉन एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ अंग्रेजों ने ये इंस्ट्रक्शन भी दिया कि जिस ब्रिज को वो तैयार करने वाले हैं, इस ब्रिज के नीचे अनगिनत खंभे या पिलर नहीं होने चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से नाव आसानी से आ जा सके। काफी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने ब्रिज का डिजाइन को बनाकर तैयार कर लिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 पिलर्स बनाए और इन पिलर्स को ब्रिज के दोनों सिरों पे लगाने की बात कही। ब्रिज का ये डिजाइन अंग्रेजों को काफी पसंद आया और इस तरह हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार। इस पुल की खासियत यह भी है कि पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 80 फीट ऊंचे पिलर्स पर टिका है। इन दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है और इन दोनों पिलर्स के अलावा नदी में और कहीं भी कोई भी पिलर्स नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट कर सके। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस पुल के निर्माण के लिए 26,500 टन स्टील की आवश्यकता थी, लेकिन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इंग्लैंड 3,000 टन से अधिक स्टील उपलब्ध कराने में असमर्थ था। इसके बाद टाटा ने बाकी के 23,500 टन स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई किया था। एक और विशेषता जो इसे अलग बनाती है वो यह है कि ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में कोई भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि स्टील प्लेट को जोड़ने के लिए आयरन से बने रिवेट्स का प्रयोग किया गया था। हैरानी की बात यह है कि जब इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तो इसका औपचारिक उद्घाटन भी नहीं किया गया, क्योंकि सरकार को जापानियों के हमले का डर था। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन साल 1942 तक पूरा हो चुका था। इसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह दुनिया के अपने तरह का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। इस पुल को बनाने में कुल 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जब यह पुल बनकर तैयार हुआ तब इसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर साल 1965 में इस पुल का नाम आधिकारिक तौर पर कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रख दिया गया, लेकिन लोगों के बीच आज भी यह हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। हावड़ा ब्रिज का भारतीय संस्कृति में भी एक विशेष स्थान है। कई बॉलीवुड फिल्मों और गानों में इस पुल को दिखाया गया है, जिससे यह भारत के लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाता है। तो दोस्तों, यह था हावड़ा ब्रिज का इतिहास और इसकी अद्भुत विशेषताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम जल्दी फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ।